हाय एवरीवन, वेलकम टू मेरे चैनल के एनकेड में। डिस्कस करते हैं लेटेस्ट एंड बिगेस्ट अनाउंसमेंट्स के बारे में। ओके सो गाइस, यहां पे कुछ हायरिंग्स रिसेंटली ओपन हुए हैं कुछ शॉर्ट टाइम के लिए, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो अनाउंसमेंट है वो है AT&T की तरफ से। ओके सो बेसिकली यहाँ पे इनका इंटर्नशिप प्रोग्राम एप्लीकेशन की ओपन हो चुके हैं। इंटर्नशिप प्रोग्राम के जो 25 बैच वालों के लिए होने वाले हैं, BE/BTECH के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट ब्रांच, जैसे कि CSE, ITO, ECE ब्रांच के स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। अब गाइस, आपको इसमें अप्लाई कैसे करना है, कॉन्टेक्ट किसको करना है? सो आपको कॉन्टेक्ट करना है इनको, अपूर्वा को। ओके यहाँ पे आपको कमेंट करना है, एप्लीकेशन की डिटेल्स आपको मिलेंगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे ट्राई किया बट मुझे एप्लीकेशन के एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं मिली, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली इनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इनके द्वारा ही पोस्टिंग हुई है। ओके सो अभी करेंटली ये वर्क भी कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, नोट दैट दिस इज ओपन फॉर लिमिटेड पीरियड ओनली। थर्सडे को एप्लीकेशन क्लोज हो जाएंगे गाइस, कल तक एप्लीकेशन आपके क्लोज होने वाले हैं। आज के आज ही, अभी के अभी ही आपको इनको कॉन्टेक्ट कर लेना है। ओके सो काफ़ी शॉर्ट टाइम के लिए ये एप्लीकेशन ओपन हुई है। इस वाले हायरिंग में आपको डेफिनेटली ट्राई करना है, क्योंकि लास्ट टाइम AT&T की तरफ से बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छा आया था। आप इसमें डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। अब एक हम डायरेक्ट टेस्ट हायरिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर लेते हैं। EY Techathon 5.0। ओके सो EY Techathon के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं गाइज। जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी डायरेक्ट टेस्ट हायरिंग अपॉर्चुनिटी होने वाली, इसमें कोई भी शॉर्टलिस्टिंग नहीं है। ओके इसके बारे में बात कर लेते हैं, पूरा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कौन कौन इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। सो round 1, round 2 और round 3 ये आपके इस तरीके से फेजेस होने वाले हैं। टोटल आपके 4 फेजेस में कंप्लीट हो जाएगा एक आपका टेकाथॉन। ओके अब बात करते हैं कि क्राइटेरिया के बारे में। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, EY Techathon में इज ओपन टू अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स पार्ट टाइम एंड फुल टाइम फ्रॉम एनी डिसिप्लिन एनी कॉलेज बेस्ड आउट ऑफ इंडिया। ओके बेस्ड आउट ऑफ इंडिया, बेसिकली यहाँ पे क्या है, कोई भी डिसिप्लिन के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। पार्ट टाइम और फुल टाइम डिग्री अगर आपके पास है तब भी इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। सो ये सभी स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटी होने वाली है, इसमें एज सच कोई भी स्पेसिफिक क्राइटेरिया मेंशन नहीं है। ओके द पार्टिसिपेंट्स स्टूडेंट्स शुड बी करेंटली एनरोल्ड इन डिग्री डिप्लोमा कोर्सेज पार्ट टाइम फुल टाइम। डिप्लोमा कोर्सेज के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, डिग्री के भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सभी स्टूडेंट के लिए ओपन हो चुका है गाइस। अगर आपने इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब इसके बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं, विनर को यहाँ पे डिफरेंट प्राइज मिलने वाला है, रनर अप को प्राइज मिलेगा, और इसमें आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिलेगी EY में। ओके एंड इस पार्टिसिपेंट का सर्टिफिकेशन भी मिलेगा। सपोज आप इसमें आप विनर बनते, कोई भी आप यहाँ पे सॉल्व नहीं कर पाते कुछ चीज़ें, तो एटलीस्ट आपको यहाँ पे पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट मिलने वाला है डेफिनेटली, कि आपने टेकाथॉन में यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, प्री प्लेसमेंट इंटरव्यूज का भी मौका मिलेगा। तो गाइस आपको यहाँ पे प्लेसमेंट ऑफर भी मिल सकता है, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिलती है, काफी सारी बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। ओनली 9 दिन बचे हैं अप्लाई करने के लिए, जल्दी से जल्दी जाके इसमें रजिस्ट्रेशन आपको कर देना है। ओके अब मैं बात करता हूँ डिलीवर्ड की हायरिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में। दे आर हायरिंग फॉर एनालिस्ट लर्निंग ऑपरेशन, दिस इज फॉर हैदराबाद लोकेशन। यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है 0 to 5 years ऑफ एक्सपीरियंस लर्निंग और बैकएंड ऑपरेशन। ओके ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, MBO पोस्ट ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं इसमें। ऐसा कोई टेक्निकल रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसे कि MS Teams की आपको नॉलेज होना चाहिए, ऑफिस की नॉलेज होना चाहिए, पावर पॉइंट प्रेजेंट लेके यहाँ पे वर्ड एंड एक्सेल वगैरह की आपको नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नॉलेज। सो यू कैन अप्लाई इन दिस हायरिंग ऑल्सो। नेक्स्ट मैं बात करूंगा एक्सेंचर की बिगेस्ट अनाउंसमेंट के बारे में। सो एक्सेंचर अभी करेंटली इनका एक इवेंट लाइव है, जो कि बेसिकली इन इवेंट के थ्रू हायरिंग हो रही है यहाँ पे ग्रेजुएट्स की। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेजुएट्स करियर्स एज एक्सेंचर टेक्नोलॉजी। ओके सो दे आर कॉलिंग ऑल दी ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स। यहाँ पे क्या होने वाला है, 7th of November का डेट है। सो गाइस इसके लिए भी बहुत शॉर्ट डेडलाइन है, अगर आपने इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, प्रीवियस वीडियो आपने देखी होगी, तो उसको जाके आपको यहाँ पे क्लिक करना है, चेक करना है और जल्दी जल्दी आके इसमें अटेंड करना है इस वाले इवेंट को। ओके लोकेशन ऑन लिंक्डइन आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, लिंक्डइन के द्वारा ही यहाँ पे पोस्ट किया गया है। यहाँ पे एक ऑप्शन भी है अटेंड का, तो डायरेक्टली आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। ओके सो इसमें भी आपको चेक कर लेना है ये वाली डिटेल्स को। नेक्स्ट हायरिंग के बारे में हम बात करें, जो प्रिंसिपल की तरफ से होने वाले एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर दे आर हायरिंग और दिस इज फॉर हैदराबाद लोकेशन। यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट होने वाली उसके बारे में बात करते हैं। क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएट कैन अप्लाई बेस्ट डिग्री एनी स्ट्रीम, कोई भी स्ट्रीम में अगर आपके पास डिग्री है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एपेक्स डेवलपमेंट में यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, ट्रिगर्स वगैरह की आपको नॉलेज होना चाहिए, LWC वगैरह आपको आता है तो काफ़ी एडवांटेज होने वाला है। एजाइल वे ऑफ वर्किंग नॉलेज ऑफ एजाइल की आपको नॉलेज होना चाहिए, डेउस प्रिंसिपल्स की अगर आपके पास नॉलेज तो काफ़ी एडवांटेज होने वाला है। ये आपकी टेक्निकल अपॉर्चुनिटी है गाइस, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रिंसिपल में अप्लाई करने वाले हैं। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट जो हायरिंग अपॉर्चुनिटी वो है एंटिटी डेटा की तरफ से एज अ क्लाउड मैनेज्ड सर्विस इंजीनियर। सो L2 सपोर्ट पे आप काम करेंगे, क्लाउड के बेसिस पे आप यहाँ पे काम करने वाले हैं, तो उसके रिलेवेंट टू स्किल्स आपके पास
होना ही चाहिए गाइस। यहाँ पे बैचलर्स डिग्री आपके पास होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में, लाइक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटिंग और इक्विवेलेंट वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है। इट इज़ नॉट मैंडेटरी, बट यहाँ पे जो सर्टिफिकेशंस हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज यहाँ पे होने वाला है। जैसे अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट के कोई भी सर्टिफिकेशन है, अगर आपने एज्यूर और AWS वगैरह के कोई सर्टिफिकेशन कर रखे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेज होगा, क्योंकि स्पेसिफिक क्लाउड के लिए हायरिंग अपॉर्चुनिटी होने वाली है। इफ़ यू हैव रिलीवेंट सर्टिफिकेशन स्किल्स देन यू कैन डेफिनेटली अप्लाई इन दिस हायरिंग अपॉर्चुनिटी। ओके, SKNDM की तरफ से नेक्स्ट हायरिंग है जो कि असिस्टेंट फ्रंट एंड इंजीनियर की है। ये आपकी रिमोटली बेस पे हायरिंग अपॉर्चुनिटी होने वाली है गाइस। यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है, बैचलर्स डिग्री आपके पास होना चाहिए कंप्यूटर साइंस फील्ड में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड फील्ड में, HTML CSS JavaScript की नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी में रिक्वायरमेंट है तो फ्रंट एंड आपको अच्छे से आना चाहिए। ओके, इसमें आप अप्लाई करेंगे तो इस वाले एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिल करना है, डिटेल्स वगैरह, उसके बाद सबमिट कर सकते हैं एप्लीकेशन को। नेक्स्ट जो हायरिंग अपॉर्चुनिटी है वो है क्लाउड इंजीनियर के लिए फ्रेशर्स की, 66 डिग्रीज की तरफ से आपकी रिमोटली बेसिस पे हायरिंग अपॉर्चुनिटी होने वाली है। स्टार्टिंग में आपको ऑफिस जाना पड़ेगा, बट यहाँ पे आपको चांसेस हैं कि आपको रिमोटली बेसिस पे मिल जाए अपॉर्चुनिटी। ओके, सो रिक्वायरमेंट क्या है, बैचलर्स डिग्री होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में कंप्यूटर साइंस और IT, CS एंड IT ब्रांच के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। क्लाउड फंडामेंटल्स की आपको नॉलेज होना चाहिए, क्लाउड कंप्यूटिंग, ओके, एटलीस्ट वन मेजर क्लाउड प्लेटफॉर्म जैसे AWS, Azure, GCP वगैरह की नॉलेज होना चाहिए, लिनक्स की आपको नॉलेज होना चाहिए। सो ये आपकी टिपिकल क्लाउड इंजीनियर के लिए होने वाले हैं। इफ यू हैव रिलेवेंट स्किल्स देन यू कैन अप्लाई। ओके, नेक्स्ट जो हायरिंग अपॉर्चुनिटी होने वाले हैं जो आपकी टेनेको की तरफ से होने वाले हैं, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग, काफी रिसेंट अपॉर्चुनिटी है। दिस इज फॉर चेन्नई लोकेशन। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप देख सकते हैं, पूरा सपोर्ट से रिलेटेड कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने वाली है। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज को चेक करके इसको मैच करते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली एज अ ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वो हायरिंग अपॉर्चुनिटी वो है टेली परफॉर्मेंस की तरफ से एज अ कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव। अगर आपने इसमें अप्लाई नहीं किया देन यू कैन अप्लाई इन दिस हायरिंग अपॉर्चुनिटी ऑल्सो। गाइस यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, एक ऐप है वर्क इंडिया, अगर आप और भी अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स में, यहाँ पे आपको डिफरेंट डोमेन्स में मिल जाएगी। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, एप्लीकेशन के रिगार्डिंग क्लिक टू कॉल HR का यहाँ पर ऑप्शन रहता है, तो डायरेक्टली अगर आप HR से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं इस वाली एप्लीकेशन के रिगार्डिंग, तो डायरेक्टली HR से कॉन्टैक्ट करने का आपको मौका मिलेगा। डेफिनेटली तो इस वाले ऐप को एक बार ट्राई कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी को ट्राई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे पूरा डिटेल्स आपको एप्लीकेशन के रिगार्डिंग मिलेगा, इंटरव्यू का क्या शेड्यूलिंग है, अगर आप यहाँ पे कॉल करके डिस्कस कर लेते तो आपका इंटरव्यू शेड्यूल भी हो जाएगा, तो आप इसको भी एक बार चेक कर सकते हैं जरूर। ओके, नेक्स्ट मैं बात करूंगा वेकर हक्स की हायरिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में। देयर हायरिंग को समर इंटर्नशिप 2025, दिस इज फॉर मुंबई लोकेशन। यहाँ पे बहुत ही बेसिक लेवल का क्राइटेरिया होने वाला है। सो क्राइटेरिया यहाँ पे वी करेंटली एंड बैचलर्स और मास्टर डिग्री, ओके, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी मैथमेटिक्स डिफरेंट स्टेम ब्रांच के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। जो GPA और CGPA का क्राइटेरिया वो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं, और बी एबल टू रिलोकेट फॉर द ड्यूरेशन इंटर्नशिप। सो बेसिकली यहाँ पे क्या है, आपकी लोकेशन पे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी होने वाली है। सो यहाँ पे आपको ऑफिस में जाना पड़ेगा इंटर्नशिप के लिए, तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। गाइज इन दिस वीडियो आई हैव डिस्कस्ड अबाउट मल्टीपल हायरिंग्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।